अनुमिति ज्योतिष केंद्र, मूल्यांक भाग्यांक 5। मूल्यांक भाग्यांक की बात करें तो सबसे पहले मैं नंबरों की बता दूं। 1 नंबर को सूर्य, 2 को चंद्र, 3 को गुरु, 4 को राहु, 5 को बुध, 6 को शुक्र, 7 को केतु, 8 को शनि और 9 को मंगल ग्रह शासित करते हैं। अगर बात करें 5 नंबर, 5 नंबर के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं बुध। इंटेलिजेंस, हंसी मजाक, वाक शक्ति, लेखन, बुध एक तरीके से इस तरह का काम कराता है, व्यापार में सफलता देते हैं बुध। किसी को भी अगर बुध 5 नंबर का इंसान है तो चुप नहीं बैठेगा, चंचल होगा, बात बात में हंसाने का काम, ऐसा कुछ करने का इनका काम होता है। बुध वैसे राजकुमार माने जाते हैं ग्रहों में, मंगल सेनापति हैं। इस वर्ष अगर हाँ मूलांक निकालना है, मतलब जैसे जन्म तिथि 14 है तो 1 और 4 5 हो गया, ये मूलांक हो गया। भाग्यांक मतलब पूरी जन्म तिथि का टोटल हो गया भाग्यांक। वर्ष को अगर हम जोड़ दें जैसे 2019 है, 2 + 0 = 1 + 9 तो ये हो गया वर्षांक। तो इस वर्ष का जो जोड़ है वो है 3, तो 3 यानी गुरु और 5 यानी बुध का नंबर। तो बुध और गुरु भी दोनों मित्र हैं। बुध और गुरु की अगर बात करूं तो ये वर्ष कैसे रहने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि भाग्यांक 5 के साथ कैसा होना है। इस वर्ष अगर देखा जाए तो कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो ना चाहा हुआ है वो हो सकता है। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जॉब्स को लेकर, पर बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। लेकिन कभी ये अगर अच्छा भी देगा तो बहुत बढ़िया भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएंगे। कार्य सोच समझ कर करना है, क्योंकि यह वर्ष थोड़ा सा क्या होगा, अचानक कुछ चीज़ें होने वाली होंगी तो अचानक ही होंगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मई जून में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। सोच समझ कर ही काम करना है, सोच समझ कर ही चीज़ों को मैनेज करना है। इसके अलावा नए रिलेशन भी बनेंगे, इस तरह की चीज़ें आप मान के चलें। और अगर मूल्यांक भाग्यांक 5 की बात करूं तो थोड़ा सा बुद्धिमान, अकाउंटिंग फाइनेंस में बहुत अच्छे होते हैं, लेखन बोलना अच्छा, इस तरह की इनकी खूबी होती है। मेहनत से फल मिलेगा इस वर्ष, वर्ष अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कि जो भी स्थिति होगी सब मेहनत से होगी और सब 50-50 ओके ओके रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होंगी एकदम से अनएक्सपेक्टेड होंगी, अचानक से घटेंगी। फाइनेंशियल स्थिति ठीक ठाक रहेगी। इसके अलावा बात करूं तो जैसे कमाया 50 रुपये और जुड़ रहा है 5 रुपये 4 रुपये, तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा जुड़ने में दिक्कत रहने वाली, खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रेम प्रसंग, प्रतियोगिता, ये सब चीज़ें बात करें तो ये ठीक ठीक ओके ओके, मेहनत पर रिजल्ट मिलने वाला है। स्वास्थ्य ओके ओके रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा खराबी इसमें नहीं दिख रही है। तो इस तरह की ये 5 नंबर वालों को थोड़ा सा इस वर्ष केयरफुल रहने की ज़रूरत है, बाकी ऐसा कुछ खराबी नहीं दिख रही है। मेहनत से सारे फल क्या होंगे, बढ़िया मिलेंगे। सिर्फ इतना होगा कि जैसे आप 100 रुपये कमा रहे थे तो इस बार 80-90 रुपये पे आ जाएंगे। आप बचत कर रहे थे जैसे 40-50-30 रुपये, तो इस वर्ष बचत रह जाएगी 15-20, बस इतना फर्क पड़ेगा। सोच समझ कर काम करेंगे, खर्चों को नियंत्रण करेंगे तो जो बचत पिछली बार हो रही थी उतनी की उतनी बचत इस वर्ष भी होने लगेगी। जो फालतू के खर्चे थे उन पर आप नियंत्रण कर लें, बाकी ऐसा कोई स्थिति खराब नहीं है कि पैसे रुक जाएंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। हाँ, जो भी घटेगा अचानक घटेगा तो जवाब जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, जैसे मिलते मिलते कोई काम एकदम से रुकेगा, इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनने का कुछ सितारे दिखा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ खराब नहीं होना है। अगर आप थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब देंगे, सोच समझ कर कार्य करेंगे तो कहीं भी कोई स्थिति बिगड़ने का कोई योग बनता हुआ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा व्यायाम स्वास्थ्य से रिलेटेड आप ज़रूर करते रहे, ये मैं हर नंबर वाले को बोलता हूँ, चाहे 1 हो चाहे 9 हो। जिनकी स्थिति अच्छी होनी है तो वो और अच्छी हो जाएगी, जिनकी ख़राब होनी है तो वो ठीक हो जाएगी, और जिनकी बहुत अच्छी है तो फिर बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो व्यायाम हमेशा किसी भी नंबर को करना ज़रूरी है, योग प्राणायाम ज़रूर करते रहना चाहिए। और योग जो भी करें नाड़ी दिखाकर करें, एकदम से सारे योग या हर इंसान पर अप्लाई नहीं होते। धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार।